हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमाल्स किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं खिचड़ा हलीम, यानी कि जो गेहूं से बना, दालों से बना, प्रोटीन से भरपूर खिचड़ा बनाने जा रहे हैं हम। ये बहुत अच्छा बनता है खिचड़ा। देखिए, आपने देखा होगा ज़्यादातर खिचड़े में गोश्त मिला के बनाते हैं, लेकिन मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ उसका मैं सालन यानी ग्रेवी अलग बनाएंगे और खिचड़ा अलग बनाएंगे। सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो कूटा हुआ गेहूँ। इसको रात भर के लिए हमने देखिए भिगा दिया था। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, थोड़ा सा कूटा हुआ रहता है ये, हमने रात भर भिगा दिया था। अब क्या करना है, इसको अच्छे से वॉश करके कुकर में डालेंगे। ये 7 से 8 घंटे भीग चुका है रात में। आधा चम्मच हल्दी अब इसमें डालेंगे, 5 से 6 ग्लास पानी। अब इसको हम कम से कम 1 घंटे के लिए मीडियम आंच पर गैस पर चला देंगे, पर जैसे ही इस प्रेशर आएगा आंच को हम स्लो कर देंगे और 1 घंटे इसको कम आंच पर रखेंगे। अब देखिए क्या करना है हमें, एक छोटी मीडियम साइज की कटोरी से थोड़ी थोड़ी दालें उसी हिसाब से, सबसे पहले अरहर की दाल 1 कटोरी, 1 कटोरी ली हमने उड़द की दाल सफ़ेद वाली, 1 कटोरी ली है हमने चने की दाल, सारी क्वांटिटी ध्यान से देखिएगा, 1 कटोरी मसूर की दाल लाल वाली, 1 कटोरी ली है मैंने मूंग की दाल, 1 कटोरी से थोड़े कम हम लेंगे चावल। देखिए ये सारी क्वांटिटी आप ध्यान से एक बार नोट कर लीजिए, सारी दालें हमने 1-1 कटोरी ली है। ये 1 से 1.25 घंटा हो गया है, देखिए हमारे गेहूं कितने अच्छे से गल गए हैं। देखिए ये जले भी नहीं है और बहुत अच्छे से गल गए हैं। देखिए इसको आप चम्मच से अच्छे से घोट लीजिए। अब क्या करना है, सबसे पहले एक बड़ा भगोना लेंगे जिसमें हमें खिचड़ा बनाना है, उसमें ये हम जो गेहूं हमारे गले हुए हैं वो उसको पलट लेंगे। इसमें बहुत अच्छे से गला है हमारा खिचड़े वाला गेहूं। अब उसी कुकर में हमने जो दालें भिगा के रखी थी उसको हमने नहीं भिगा, 10-15 मिनट के लिए भिगाया था, और धोकर अच्छे से उसी कुकर में हम चढ़ा देंगे सारी दालों को, जो चावल लिए थे उसमें। इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, इसमें भी डालेंगे हम 4 से 5 ग्लास पानी। वो भी हमें 3 से 4 प्रेशर लगाने हैं और गैस को बंद कर देना है जब तक हम मसाला बना लेते हैं। अब देखिए हमें दोनों चीज़ों का मसाला बनाना है, खिचड़े का भी और हमें चिकन भी बनाना है। तो हम सबसे पहले लेंगे 5 टमाटर और 5 प्याज हम अलग लेंगे, मीडियम साइज़ के हैं ये, ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं है। सबसे पहले हम खिचड़े में बनाने वाला मसाला बना रहे हैं। प्याज और टमाटर को दोनों को एक साथ करके हमें मिक्सी में दरदरा पीस लेना है, एकदम बारीक नहीं करना है इसको। देखिए इस तरीके से ये हमारा खिचड़े के लिए मसाला तैयार हो गया। अब एक छोटा कढ़ाई या पतीला चढ़ाएंगे, उसमें जो हमने प्याज टमाटर पीस के रखे थे वो डाल देंगे। तेल 4 चम्मच तेल डाला है मैंने इसमें, 3 से 4 हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। ये हम गेहूं में डालने के लिए जो मसाला बना रहे हैं यानी गेहूं और दालों का जो खिचड़ा है उसमें डालेंगे हम मीडियम आंच पर कम से कम। ये भी हमारा आधे घंटे में भुनेगा मसाला। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर नॉर्मल वाली, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक 1 से 1.5 चम्मच टेस्ट के मुताबिक। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और आंच को मीडियम करके मसाले को हम कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आंच को बीच बीच में देखते रहना है, मसाला चिपके नहीं। जैसे ही हमारा मसाला भुनना शुरू होगा 5 से 10 मिनट होंगे, उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। अब आंच को मीडियम करके रख देंगे और 1 चम्मच इसमें अपने घर का गरम मसाला डालेंगे। देखिए पानी मैंने नहीं डाला है, कम पानी में ही हमें मसाला भूनना है बिल्कुल, जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लगे मसाला और इसमें से खुशबू ना आने लगे। इसको ढक देंगे। अब इधर हम अपना चिकन बनाने की तैयारी करते हैं, इस चिकन का सालन बनाएंगे। ये हम खिचड़े में अलग से डाल के बना रहे हैं, तो उस तरीके की आप रेसिपी देखिए ध्यान से। सबसे पहले 4 बड़े चम्मच इसमें तेल डालेंगे, इसमें 4 इलायची, 4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब डालेंगे इसमें 1 से 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 से 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट। ये मैं आपको 1.5 किलो चिकन की रेसिपी बता रही हूँ। ये सालन हम अलग से बनाएंगे खिचड़े के लिए। इसको 5 से 6 मिनट पहले भूनेंगे।
अब इसके लिए भी हमने 5 प्याज और 5 टमाटर ले रखे थे, वो अलग से पीसा था, वो डाल देंगे इसमें। 5 प्याज 5 टमाटर हमने खिचड़े के लिए लिए थे, वही सेम इसके लिए भी लिया था हमने चिकन के लिए। ये ग्रेवी बनाएंगे हम सालन की, इसमें डालेंगे 2 से 3 तेज पत्ते। अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्ची नॉर्मल वाली, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे नमक, टेस्ट के मुताबिक डालिए आप, अपने हिसाब से डालिएगा नमक। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक कि मसाला हमारा तेल ना छोड़ने लगे। कम आंच पर इसको भी भूनने के लिए रख देंगे दूसरी गैस पर। बीच बीच में इसको भी देखते रहना है, उधर हमारा खिचड़े वाला मसाला भी भून रहा है। देखिए 20 से 25 मिनट हो गए, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। बस 3 से 4 मिनट और देखेंगे इसको, मसाला बिल्कुल तैयार है हमारा। इधर जब तक हमारे 3 से 4 प्रेशर हो गए हैं, दाल भी देखते हैं। देखिए दाल भी बहुत अच्छे से गल गई है, इसमें मैंने 3 से 4 ही सीटी लगाई थी, बहुत अच्छे से गल गई हैं सारी दालें और जो चावल डाले थे हमने। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो भगोने में हमने गेहूं अपने डाले थे वही उसी में ये दाल भी मिक्स कर देंगे सारी दालें। सारी दालों का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से दोनों चीजों को, गेहूं को और दालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए जो हमने मसाला भुना था हमारा, जो खिचड़े के लिए हमने मसाला भुन गया था हमारा, वो इसमें डाल देंगे हम। बहुत अच्छा मसाला भुना है, देखिए कलर कितना अच्छा आया मसाले का। सारा मसाला इसमें डाल देंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, भारी है सब सामान डाला है इसमें, तो आप पतीले को अच्छा गर्म है, इसको ध्यान से पकड़िएगा। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें। कई लोग क्या करते हैं, मटन या चिकन जो भी होता है वो खिचड़े में डाल के ही बनाते हैं, हम इसको आप अलग से बनाना सिखा रहे हैं। ये भी एक तरीके का हलीम, बहुत फेमस हलीम होता है, ये सबको बहुत पसंद आता है। 2 से 3 गिलास इसमें पानी डालेंगे, खिचड़ा हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इसको मीडियम आंच पर पकने के लिए चढ़ा देंगे मिक्स करके अच्छे से। अब इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच नमक, नमक थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि मसाले में भी हमने डाला था, दालों में भी हमने डाला था, इसलिए आप ध्यान से नमक डालिएगा। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, बीच बीच में घोटते रहेंगे। अब देखिए इधर हमने चिकन का मसाला हमारा अच्छे से भुन गया, देखिए तेल छोड़ना शुरू हो गया है मसाले का, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब चिकन को वॉश करके अच्छे से इसमें डाल देंगे, ये 1.5 किलो चिकन है, इसको भी 20 से 25 मिनट लगते हैं मसाला भून के पकने में। अच्छे से मिक्स करके इसको मीडियम आंच पर ढक के रख देंगे। ये थोड़ा थिक ग्रेवी वाला बनता है इसलिए बहुत अच्छा मसाला बनेगा इसका। 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला, इसको भी अच्छे से मिलाकर हम ढक देंगे। अब मीडियम आंच पर रखेंगे, बीच बीच में देखते रहेंगे। देखिए प्याज और टमाटर ने अच्छे सा पानी छोड़ा है, इसको अच्छे से हिलाएंगे। 10 से 12 मिनट और लगेंगे अभी सालन बनने में। जब तक इधर देखिए इसमें भी हमारा बॉयल आना शुरू हो गया है, जो हमारी दाल और खिचड़ा गेहूं रखा था हमने वो भी पकना शुरू हो गया है, इसको भी बीच बीच में घोटते रहेंगे। अब हमने क्या करना है, प्याज भी फ्राई करनी है खिचड़े के लिए। एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे हम 4 से 5 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं। हमने ये 5 से 6 प्याज को काट कर अच्छे से इसको हाथ से मिक्स करके तोड़ लेंगे। अब इसको हम डालेंगे, ये खिचड़े में ऊपर से डालकर खाई जाती है प्याज, तली हुई प्याज बोलते हैं इसको। इसको भी हम तेज आंच पर इसको भी हम तल लेंगे अच्छे से।
आप चाहे तो देसी घी में भी कर सकते हैं, कई लोगों को पसंद है, देसी घी में भी फ्राई करके रखते हैं। जब तक हम क्या करना है, देखिए इसमें खिचड़े में बॉईल आ गया है, इसको भी हम दाल घोटने वाले मधानी से अच्छे से घोट लेंगे। देखिए कलर कितना अच्छा आया है इसमें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हलीम की। ये बिल्कुल नए तरीके का, अलग तरीके का हलीम बनाना बता रही हूँ। देखिए प्याज भी हमारी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है, बस इसको इसी स्टेज पर गैस बंद कर देना है और इसका तेल निचोड़ के इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे प्याज को। ये हमें फ्राई करके अलग बर्तन में रखनी है। कई लोग खिचड़े के ऊपर से डालकर खाना पसंद करते हैं। इधर हमारा चिकन मसाला भी बिल्कुल तैयार है। अब लास्ट स्टेज आ गई है हलीम को तैयार करने की। अब हमने एक छोटी कढ़ाई लेनी है, उसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, उसमें थोड़ी सी प्याज यानी कि 1 से 1.5 प्याज काट कर डाल देंगे। जो हमारा तेल बचा हुआ था, जो हमने प्याज फ्राई करी थी, उसी में से तेल ले लेंगे या घी ले लेंगे। ये खिचड़े के ऊपर तड़का लगा देंगे, देखिए इस तरीके से। अब डालेंगे इसमें बहुत सारा हरा धनिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कलर कितना अच्छा, बेहतरीन कलर आया है खिचड़े का, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसको अच्छे से मिक्स करिए और हलीम हमारा पूरे तरीके से तैयार है। देखिए हलीम बिल्कुल तैयार है, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। आइए इसको अब सर्व करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में निकालेंगे हलीम, गर्मा गर्म हलीम तैयार है, इसको निकालेंगे हम। अब जो हमारा चिकन का सालन यानी ग्रेवी वाला सालन तैयार है, वो डालेंगे इसको ऊपर से। ये मैं आपको बता रही हूँ निकालना, अगर आप जैसे खाना चाहें तो प्लेट में पहले हलीम लें, फिर ऊपर से सालन डालें, ऊपर से तली हुई प्याज हरा धनिया डाल के खाइए, बहुत बेहतरीन डिश है ये। देखिए ऊपर से ग्रेवी डालेंगे, अब डालेंगे इसमें तली हुई प्याज, अब डालेंगे इसमें धनिया। गर्मा गर्म हलीम अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय करिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ मुझे लिख के ज़रूर बताइए आपको ये डिश कैसी लगी। थैंक यू।